हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे गाइस। सो गाइस, आज है डेट 24 मई। आज भी मैं आपको अपडेट दूंगा कि आज कितना ऊपर गया है या नीचे गया है, क्या मेरे को मुझे आज रिटर्न मिला है या नेगेटिव में गया है, मैं आगे बताऊंगा। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। बाकी गाइस, आज सेकेंड अपडेट बात करेंगे। आज मैं ना गाइस एक आपसे 18 इक्विटी म्यूचुअल फंड शेयर करूंगा, लास्ट 1 ईयर में जिन्होंने डिलीवर किया है अप टू 79%। सो गाइज, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए काफी अच्छा रहेगा वीडियो। बाकी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद एक बार और अच्छे से रिसर्च करना फंड्स के रिलेटेड। जो भी मैं आर्टिकल शेयर करता हूँ और जो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, अपने लेवल पे और रिसर्च करके और कंफर्म लेके देन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इन्वेस्टमेंट करना गाइस, रिलेटेड टू जो भी मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। एंड गाइस, थर्ड अपडेट एज यूजल, मैं यूट्यूब इनकम और मैं आपसे आज गाइस स्टॉक्स का बताऊंगा। क्योंकि गाइस, जैसे मैंने आपसे कुछ दिन पहले या 1-2 दिन पहले बताया था कि मैं अराउंड 1.5 लाख तक अराउंड इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। सो गाइस, फाइनली मैंने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया है। और मैंने वो इन्वेस्टमेंट किस में किया है, मतलब म्यूचुअल फंड में किया या स्टॉक में किया, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अब आने वाले टाइम में किस तरीके से मेरे गोल्स हैं, जो मेरा फर्स्ट टारगेट है 1 करोड़ अमाउंट टच करने का, और जो मैंने एक नेक्स्ट टारगेट भी रखा है 20 लैक्स का, तो वो कैसे अब मैं अपना टारगेट लाइक यू नो आने वाले टाइम में टारगेट अचीव करने के लिए लाइक यू नो जो भी होगा मुझसे जितना होगा बेस्ट में इन्वेस्टमेंट करते रहूंगा। बाकी टाइम बताएगा गाइस, आई होप ऐसे ही सब पॉजिटिव जाए। बाकी जो भी रहेगा गाइस, पॉजिटिव नेगेटिव लाइफ का प्लस इन्वेस्टमेंट का, मैं आपसे डेली तो शेयर करते रहता हूँ जो भी जर्नी है गाइस। लाइक अब मैं लास्ट 5-6 महीने से डाल रहा हूँ वीडियो, तो अब तो काफी जितने भी सब्सक्राइबर्स में से कुछ लोग तो लाइक यू नो मैं एक्सपेक्ट और मैं इतना समझता हूँ कि कनेक्टेड है मुझसे भी, तो लाइक यू नो और ये भी होता है ना गाइज, एक हम डे टू डे लाइफ की एक जर्नी शेयर कर रहे हैं कि ये नहीं कि इतना डालो तो इतना होगा। मतलब जो बोलते भी हैं और जो दिखाते भी हैं, वो करना भी जरूरी है और जानना भी जरूरी है। बट गाइज जो हम ये डे टू डे बेस पे जो एक लाइफ होती है ना जर्नी की, इन्वेस्टमेंट की, ये एक लाइक बहुत रियलिटी चेक होता है। जब गिरता है तो कितना क्या माइंडसेट में कैसे कंट्रोल करना, होल्ड करना, ये सब चीजें। तो जो भी है गाइज, मैं अपनी जर्नी तो शेयर कर रहा हूँ आपसे, पर आई होप गाइज आप लोग चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाओ। और अभी बात करें गाइज सबसे पहले म्यूचुअल फंड का, तो आज कितना ऊपर आया है या नीचे आया है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो गाइज, इसमें आया है मुझे 1,838 रुपीज 0.18% का अप आया है। अभी गाइज टोटल रिटर्न हो चुके हैं 24.81%। अमेजिंग है गाइज, मतलब ये रिटर्न्स अभी देखते हैं गाइज, ये मंथ तो मतलब काफी अच्छा रहा। मुझे एक्सपेक्टेड था कि शायद बीच में जैसे गिरा था, लेकिन फिर ये 1 हफ्ते से 5-6 दिन से काफी अच्छा ऊपर गया। और अब ये कितना यहाँ से और ऊपर जाते जाएगा या नीचे आएगा बीच में, अब जो भी रहेगा वो तो टाइम ही बताएगा, वो तो मैं आपको डेली अपडेट देते रहूंगा। बट अभी आप देखेंगे गाइज, तो XIRR 49.54% है। एंड गाइज, मैं एक बात बोलूं आपको, करंट डे चेंज देखेंगे गाइज तो आपका किसने कैसा परफॉर्म किया है। मेरा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने दिया है 1,080 रुपीज, कोटक स्मॉल कैप ने दिया है 151 रुपीज के अराउंड, एक्सिस स्मॉल कैप ने दिया है 606 रुपीज के अराउंड। ओवरऑल गाइज काफी अच्छा रिटर्न दिया है। और अभी टोटल रिटर्न देखेंगे गाइज, तो 2,04,065 रुपीज के अराउंड हो चुका है। अब देखते हैं गाइज, अभी अभी भी कुछ दिन बचे हैं मतलब मई मंथ खत्म होने में। अब आगे ये एंडिंग होते होते होता है, वोलेटिलिटी आती है या ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है, जो भी आएगा अपडेट दूंगा। तो चैनल से कनेक्टेड रहिए। करते हैं जो मैंने आपको बताया था, 18 इक्विटीज म्यूचुअल फंड डिलीवर अप टू 79% रिटर्न इन 1 ईयर। सो गाइज, ये बताऊं मैं कौन से इक्विटी फंड है वो, तो अभी आप देखेंगे गाइज, तो क्वांट वैल्यू फंड है 79.28%, ये 1 ईयर का परफॉर्मेंस है। उसके बाद एक क्वांट मिड कैप फंड 78.46%, फिर उसके बाद एक ITI मिड कैप फंड 72.65% है इसमें। उसके बाद आप देखेंगे गाइस, तो बंधन स्मॉल कैप फंड है 71.62%, JM मिड कैप फंड है 71.54%, फिर है महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड 70.41%, फिर है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड 69.630%, फिर है क्वांट स्मॉल कैप 68.73%,
एंड देन गाइस उसके बाद ये और लिस्ट है, आईटीआई स्मॉल कैप फंड है, फिर जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है। तो आप एक बार चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं गाइस कि कौन से ये फंड है जिन्होंने रिटर्न दिया है कितना। एंड देन लास्ट में आप देखेंगे तो ये दो है, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड 61.86%, एंड देन आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई प्रू मिड कैप फंड 61.29%। बताओ कमेंट्स में आपका फंड कौन सा है इनमें से, कोई है कि नहीं है। अगर मैं मेरी बात करूं मेरे फंड्स की, तो मेरा भी दिख नहीं रहा है कोई। अभी आप देखेंगे तो निपॉन एक्सेस या निपॉन एक्सेस एंड कोटक, ये तीनों जो मेरे फंड है इसमें से मुझे दिख नहीं रहे कोई भी। आप लोग मुझे बताओ गाइज, आप लोग के कोई आए हैं इसमें से या नहीं आए हैं। जो भी वीडियो यहाँ तक देख चुके और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लॉन्ग टर्म पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ चैनल से आइडिया मिलेगा। मैं ऐसे ही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिलेटेड, स्टॉक्स पोर्टफोलियो रिलेटेड दोनों के अपडेट्स मैं डेली बेस पे देता हूं। तो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, न्यू इन्वेस्टर हैं या करने वाले हैं, जो भी है आपको लॉन्ग टर्म पे डेली बेस के अपडेट से कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा। बाकी गाइज डीमैट अकाउंट ओपनिंग करने के लिए मैंने लिंक शेयर किया है अपस्टॉक्स का डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाके अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो डीमैट का। इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह शेयर कर लो आप सबसे गाइज, मैं इतना एक्सपेक्ट तो करता हूँ। एंड गाइज अभी बात करें आज का वन डे इनकम यूट्यूब का और मंथली इनकम कितना हो चुका है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। आप देखेंगे तो लास्ट अपडेट जो आया है वो आया है मुझे 22 मई का $1.48, और मई मंथ का अब तक देखेंगे गाइज तो कितना हो चुका है, ये हो चुका है मुझे $24.78। तो इसको आप $1 इक्वल्स टू कितना रुपीज में गाइज वो कन्वर्ट कर लेना तो आपको आइडिया मिल जाएगा। चलो गाइज अब बात करते हैं मेरे स्टॉक्स पोर्टफोलियो का। सो गाइज इसमें आज मैंने इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपीज कर चुका हूं गाइज, अराउंड 1.5 लाख के ऊपर ही की, मतलब आज मैंने 1.5 लाख के अराउंड किया हूं समथिंग, और टोटल मिला के अभी कितना हो गया पोर्टफोलियो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो अभी आप देखेंगे गाइज तो टोटल वैल्यू कितनी हो चुकी है पोर्टफोलियो की, 1,84,000 रुपीज के अराउंड है। अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है 1,80,000 के अराउंड। अभी आप टोटल रिटर्न देखेंगे तो कितना हो चुका है इसमें, 2.23% का रिटर्न आया है मुझे, जो कि अराउंड आप देख रहे हो 3,998 जो भी ऊपर नीचे अभी हो रहा है। सो गाइज लास्ट मंथ से मैंने स्टार्ट किया था 12 अप्रैल से, और गाइज अभी 1,80,000 रुपीज के अराउंड मैंने डाल चुका हूं। अब देखेंगे तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इसमें है 8,22,449 म्यूचुअल फंड में। के बाद मेरा सेकंड यहां स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्टमेंट कर चुका हूं 1,80,000 रुपीज के अराउंड। तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे गाइज तो ये अराउंड अमाउंट हो जाता है 10,02,000 रुपीज के अराउंड समथिंग। तो गाइज फाइनली गाइज यू नो मेरा एक गोल था ये साल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले, कि चूंकि मैंने काफ़ी बहुत टाइम पहले से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया था, जो कि टाइम के साथ मुझे लाइक यू नो थोड़ा लेट लाइक यू नो अवेयरनेस हुआ आप बोल सकते हो, इतना लाइक यू नो स्ट्रांग बिलीव हुआ नहीं तो, बट जब अब हुआ तो एक सोचा था मैंने गाइज यू नो स्टार्ट करने से पहले कि 10 लाख रुपीज तक तो अमाउंट डाल दूंगा, उसके बाद देखेंगे जैसा जैसा फिर आते जाएगा तो डालते जाऊंगा, जितना आएगा डालते जाऊंगा। लेकिन ये साल का टारगेट बनाया था गाइज मैंने 10 लाख तक का, तो जो कि मैंने डाल दिया है गाइज फाइनली। तो अभी आप देखेंगे गाइज तो 10,02,000 रुपीज के अराउंड है, बाकी आगे आएगा कुछ भी छोटा मोटा अमाउंट तो वो मैं डालते ही रहूंगा, वो तो मैं आपको डेली बेस पे दिखाता ही हूँ। और दूसरा मैंने गाइज आपको दिखाया था मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, दूसरा जो मैंने आपको बताया था ये मैंने म्यूचुअल फंड में भी डाला हूँ अलग से, बट इसमें मैंने डाल चुका हूँ, इसमें 200 रुपीज दिखा रहा है, बट बीच में मैंने अभी बहुत सारे अमाउंट डाले थे, 5,000 रुपीज डाला था, 215 रुपीज डाला, बट ये रिजेक्ट हो गया, तो अभी ये वापस से मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा जैसे अभी आएगा। बट अभी आप देखेंगे तो 200 रुपीज डाला हूँ, और अभी आज मैंने वापस से 3,600 डाला हूँ। तो अगर आप देखेंगे ना गाइज तो आज प्रिसाइसली मैंने 1,50,300 एग्जैक्टली देखेंगे गाइज तो आज मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया हूँ 1,53,600 रुपीज, 1,50,000 रुपीज के अराउंड मैंने डाला है स्टॉक्स में, और ये 3,600 डाला मैंने इसमें। तो इसका गोल मेरा गाइज यू नो ये जो मैं अलग से कर रहा हूँ ना गाइज अमाउंट अभी जो इन्वेस्टमेंट इसमें, तो गाइज ये मेरा जो इन्वेस्टमेंट का जो मेरा टारगेट क्या है मेरा इन्वेस्टमेंट का इसमें, इसमें मुझे 20 लाख करना है गाइज। अब ये कब होता है वो तो मैं आपको डेली बेस पे इसका भी अपडेट देते रहूंगा, बट हाँ एक चीज और है कि अगर मेरा स्टॉक से भी हो गया 20 लाख
तो जो भी ये दोनों में से, इसमें से जो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं अब स्टॉक्स में, ये वाले में अगर इसमें मेरा हो गया 20 लाख, इसमें जो डाल रहा हूं मैं, तो इसमें से मैं निकाल दूंगा। और अगर मेरा स्टॉक्स में से हो गया पहले, तो स्टॉक्स में से निकाल दूंगा। तो अगर पर अगर म्यूचुअल फंड में से हो गया तो उसको रख दूंगा, म्यूचुअल फंड को 20 लाख निकाल के इसको रहने दूंगा, या जो भी रहेगा गाइस, मैं आपको लॉन्ग टर्म पे तो दिखाऊंगा ही, प्लस डे टू डे बेस पे भी दिखाऊंगा। और अगर नीड नहीं पड़ा तो दोनों को भी रहने दूंगा, बट अगेन नीड तो मुझे जहां तक रहेगा, बट अगर नहीं रहा तो जो भी रहेगा गाइस, जर्नी से कनेक्टेड रहो, लॉन्ग टर्म पे मैं आपको बताते रहूंगा। बाकी अब मेरे दो गोल्स है गाइस अभी फिलहाल स्टार्टिंग में, बाकी टाइम के साथ और गोल्स आते जाएंगे तो वो भी मैं आपको एड ऑन करके बताते जाऊंगा। बट अभी फिलहाल के लिए देखें गाइस, तो पहला 1 करोड़ अमाउंट का है, जिसके लिए मैंने 10 लाख 2000 रुपीज के अराउंड डाल चुका हूँ, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों मिला के। बाकी दूसरा मेरा टारगेट है 20 लाख का, जिसमें मैंने अराउंड, अभी आप देखेंगे तो ये 200 है जो अभी पोर्टफोलियो में दिखा रहा है, और उसके बाद अभी देखेंगे तो प्रोसेस में है 3600, मतलब 3800 तक अमाउंट डाल चुका हूँ। इसका टारगेट है मेरा 20 लाख का। मंडे फ्रॉम टुडे आई विल वॉच एवरी वीडियो। क्या बात है, थैंक यू सो मच ब्रदर, और शेयर भी कर दो हो सके तो, और सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट है भाई, मैं आदित्य बिरला, सनलाइफ पीएसयू में क्या है मंथली एसआईपी किया है, मंथली एसआईपी मेरा मतलब, आई थिंक आपका मतलब म्यूचुअल फंड ठीक है क्या, क्या मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए पूरा कंफ्यूज हो रहा हूँ, थोड़ा हेल्प करो। देखो ब्रदर, ऐसे मत पूछो, जब भी आप ऐसे एडवाइस पूछते हो ना, तो बेसिकली देखने जाओ तो आपकी एज क्या है, आपका गोल क्या है, अमाउंट कितना है, आप कितने साल तक होल्ड कर सकते हो, कितना आपका एसआईपी है मंथली, आप कितना रिस्क ले सकते हो, ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती है। अगर आप 15-20 साल तक होल्ड कर सकते हो तो स्मॉल कैप में भी डाल सकते हो, मिड कैप भी एक ले लो, लार्ज कैप भी ले लो, तीनों में से एक एक फंड ले लो। फंड में पीएसयू का मैं इतना नहीं डालो ये भी नहीं बोल सकता, और आप ये भी बोल सकता हूँ कि करो ये भी नहीं बोल सकता, मतलब इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बाकी कर रहे हो तो कंटिन्यू तो कर भी सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ ये है कि अगर थोड़ा एक बैलेंस लेके चलना है तो एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक लार्ज कैप ले लो, चाहे तो एक मल्टी और एक फ्लेक्सी कैप भी डाल दो, पांच लेके ऐसे चूज करके एक एक फंड सब में से कैटेगरी में से, वो जैसा भी लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी देखो आप अपना पहला ओवरऑल अपना रिस्क फैक्टर, एज फैक्टर, कितना टाइम तक तो होल्ड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ये सब चीजें आप अपने लेवल पे और रिसर्च भी करो। मैं तो एक जस्ट एक, 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 एक एजुकेशन पर्पस के लिए आपको एक बस पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ, डिसीजन आपको खुद को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेना है। कमेंट है मेरा भी 32K है टोटल इन्वेस्टमेंट। कोई बात नहीं ब्रदर, मेरा पुराना वीडियोस देखो, मैं भी छोटे से स्टार्ट किया था, आज करते करते इतना अमाउंट बड़ा है, तो एक डिसिप्लिन आ जाएगा धीरे धीरे आपको भी। बस ये कि मैं एक चीज और समझता हूँ कि लाइफ में कभी क्या प्रॉब्लम आ जाए किसी को कोई पता नहीं है, बट मैं भी ये होप करता हूँ कि कोई इशू ना आए, ये हमेशा अमाउंट होल्ड करके रखूँ। बाकी तो यार लाइफ आपको पता ही है क्या कब हो जाता है, कुछ पता चलता नहीं, बट आप भी इन्वेस्टमेंट करते रहो, डिसिप्लिन थोड़ा रहो। इनका दूसरा भी कमेंट है, आपका ग्रोथ देख के बहुत अच्छा लगा ब्रदर, थैंक्स फॉर मोटिवेशन। अब इससे मोटिवेशन मिलता है क्या मिलता है ब्रदर, अब आप वो डिसाइड करो, बट हाँ डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, तो थैंक यू सो मच। आई लव योर आइडिया ऑफ इन्वेस्टिंग टिल यू रीच 1 ईयर, दैट्स हाउ वन शुड बी, रैदर देन गेटिंग फियर्ड बाय स्मॉल कैप मार्केट क्रैश लॉस। थैंक यू सो मच ब्रदर, बट ये बोलना तो वैसे बहुत ईजी है, जब क्रैश होता है तो होल्ड करना, पेशेंस रहना भी बहुत इतना आसान नहीं होता, बट ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रदर, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। करते हैं एंड गाइस, आप लोग चैनल को ऐसे ही सपोर्ट दिखाओ गाइस, ज़्यादा दिखाओ गाइस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गाइस कभी कम मत दिखाना, ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट दिखाते रहो। बाकी आप लोग ये साल गाइस 10,000 सब्सक्राइबर का मेरा गाइस टारगेट है, तो गाइस आप सब लोग मिलके मुझे इतना सपोर्ट करो 10,000 रीच करने का दिसंबर एंडिंग से पहले। इस चीज में मुझे आप सब लोग का सपोर्ट चाहिए एक साथ, और बाकी आप लोग अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।